हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? गाइस, जो कल की तरह आज का मौसम भी इतना बढ़िया है। देखो, सुबह सुबह जो हो गई थी बारिश हो गई थी, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो पानी भरा हुआ है पूरी रोड पे। गाइस भाई, अभी तक जो मेरी खुशी है ना वो गई नहीं है, क्योंकि कल जो है भाई अपने को एक सब्सक्राइबर भाई मिला था, वो रात भर सोच के मेरे को भाई नींद नहीं आई है। तो मैं भाई अभी भी इतना खुश हूँ, जो आपका प्यार है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है और ज़्यादा मिलता रहे जैसे अभी मिल रहा है। गाइस, अपने पीछे खड़ी अपनी गाड़ी, अपना मिनी ट्रक, और ये बगल में जो मेरे भाई वॉलीबॉल ग्राउंड है, यहाँ शाम को बच्चे या बड़े जो भी आते हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं। मैंने जो है टोचन वाली वीडियो डाली थी, उसमें जो हमारी व्हीकल यूज़ हुए थे, अपनी जो बाइक यूज़ हुई थी वो थी बुलेट, बिजाग चेतक और एक्टिवा। गाइस, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो बाइक आप देखना चाहते हैं टोचन में, मेरी जो पार्ट टू वीडियो आएगी उसमें आप कमेंट करके बताएं कि मैं कौन सी बाइक यूज़ करूँ। गाइस, अभी जो हम निकले हैं अपने घर को काम वाम निपटा के सारा, भाई आज का जो मौसम है ऐसा लग रहा है कि अभी शाम के 6 या 7 बज गए हैं, पर लेकिन अभी दिन के बज रहे हैं 1। और मौसम देखो कितना बढ़िया है भाई, ये देखो क्या व्यू आ रहा है, एकदम बढ़िया सा। आज धूप भी नहीं, ऐसा लग रहा है घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है, पर लेकिन काम वाम कुछ अपने पास है नहीं, तो सीधे चलते हैं घर को, घर में जाके आराम करते हैं, फिर शाम को निकलते हैं हम घूमने। जो हूँ फिर से आ गया हूँ काम पे, क्योंकि भाई मैं घर जाके खाना वाना खाया, मैंने सीधे इसके बाद मस्त करके सो गया था। मैं सोया हुआ था बहुत गहरी नींद में भाई, फिर उसके बाद जो है कॉल आ गई। अब जो मैं फ़ोन साइलेंट से हटा के रखता हूँ, क्योंकि भाई जो पहले इतना रहता था जो मैं फ़ोन साइलेंट कर देता था, इस फोन साइलेंट करके ही सोता था। अब जो है भाई काम वाम के फ़ोन आते हैं, इसलिए जो फ़ोन साइलेंट नहीं करता हूँ, ऐसे ही सो जाता हूँ। तो भाई उसके बाद भैया की कॉल आ गई थी, एक मैं जाना था काम पे। अब जैसे काम पे निकला हूँ भाई, बारिश लग गई, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये देखो पूरे शीशे पे पूरी बारिश ही बारिश हो रही है, सब्जियों का पूरी बारिश हो रही है। अब देखते हैं कुछ काम वाम का, क्योंकि भैया का तो काम पे जाना ही है, अब कब फ्री होते हैं यहाँ से देखते हैं भाई। भाई लोगों को देखते हो कितनी तेज बारिश हो रही है, पूरा बारिश ने सुबह से ही बारिश है यहाँ तो भाई लगभग, क्योंकि सुबह जो मौसम था वो भी सुबह भी बारिश हो गई थी, लगभग सुबह 6 या 7 बजे बारिश हुई थी। उसके बाद मैं घर से निकला था 9 बजे के टाइम पे, फिर थोड़ी बारिश रुक गई थी, अभी घर से निकला हूँ अभी बज रहे 3, फिर भी बारिश लगी हुई है, ये देख सकते हो। मौसम जो है बहुत बढ़िया है, आज गर्मी नहीं है भाई, वरना गर्मी में तो अपनी हालत जो है पूरी बहुत खराब हो जाती है। गाइस, मैं जो हूँ पहुंच गया हूँ वहाँ पर, जिस भैया ने मेरे को कॉल किया हुआ था सामान ले जाने के लिए, वो भैया पीछे से लोड कर रहे हैं। और अभी जो बारिश रुक गई है, क्योंकि मैं रास्ते पर जा रहा था, पूरी बारिश ही बारिश थी भाई, अब जाके थोड़ी बारिश रुक गई है और मौसम भी थोड़ा खुल गया है। अब जैसे सामान अनलोड होता है हम जाते हैं घर को, उसके बाद सीधे निकलते हैं घूमने। और भाई मैं जो आज सोच रहा हूँ अपने मिनी ट्रक को ही घूमने ले जाऊँ, क्योंकि कार और बाइक में तो नॉर्मली जा ही रहे हैं रोज, आज जो अपने इसको ले जाता हूँ भाई, देखते हैं वहाँ लोगों का जो रिएक्शन है वो कैसे रहते हैं। और गाइस मैं जो एक चीज़ सोच रहा हूँ वो है, जैसे अपने मिनी ट्रक को कहीं शॉपिंग वॉपिंग में ले जाओ, वहाँ के जो लोगों के रिएक्शन है वो देखते हैं कैसे होते हैं। आप अगर ये ऐसी वीडियो चाहते हो तो भाई कमेंट करके बताना कि सबसे पहले कौन सा टास्क पूरा करूँ मैं, शॉपिंग वाला या कोई रेस्टोरेंट में ले जाना। मैं जो था ना बहुत पूरी तरह फंस चुका था, क्योंकि भाई मैं वहाँ 3 बजे पहुंच गया था जहाँ मेरे को सामान लोड करना था। भाई वहाँ मेरे को लग गए 2 घंटे सामान लोड करने में, और उसके बाद के जाके हमारा जो सामान है वो लोड हुआ और मैं लास्ट में पहुंच गया हूँ जहाँ मेरे को सामान अनलोड करना था। भाई मेरे को रास्ते में एक जगह दिखी जहाँ जेसीबी की खुदाई चल रही थी, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद सीधा देखना भाई जेसीबी की खुदाई, और भाई जो जेसीबी की खुदाई का जो मतलब था, जो इतनी फेमस वो क्यों हुई भाई, वो मेरे को आज तक पता नहीं चल पाया है। भाई ये जेसीबी की खुदाई इतनी फेमस क्यों हुई थी, इसका रीज़न मेरे को अभी तक नहीं पता चल पाया है। भाई लोगों का किसी को भी पता हो कि जेसीबी की खुदाई इतनी फेमस क्यों हुई थी, वो कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई मेरे को अभी तक पता नहीं लग पाया है ये लॉजिक क्या था, कैसे था, क्या रीज़न था इसका ऐसे फेमस होने का भाई जेसीबी की खुदाई का, वो कमेंट करके बताएं जिस भाई को भी पता हो।
गाइस मैं जो ना फाइनली पहुंच चुका हूँ घर, क्योंकि भाई मेरे को जो सामान अनलोड करने में बहुत टाइम लग गया था। और भाई मैं आज के इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आया हो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।